कि आज की तारीख में जो बच्चा भी है ना क्रिकेट के अलावा कुछ ज़्यादा कुछ सोचता नहीं। फार्मा और क्रिकेट क्वालिटी एक्यूरेसी परफेक्शन रखना ही। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बॉलिंग मशीन का डिसीजन लिया मैं तो, ताकि मैं भी कभी बैटिंग कर सकूं। छुट्टियों के दिन ना ग्राउंड पे बड़ा रहता था, 15-20 बॉल में क्या 10-12 बॉल वाइड होते तो बैट पे लगते ही नहीं बॉल। एक घंटे में जो बॉलर कम से कम 15 ओवर डालते हैं, जब मशीन 50 ओवर डालती है। तो मेक इन इंडिया वाज योर मोटिवेशन एंड क्रिकेट इज योर पैशन। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स गुरु। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं वैसे ही स्टोरी लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में जो आपने देखा था वो रिव्यू था, वो एक्चुअली हम एनालाइज कर रहे थे बॉलिंग मशीन है वो कैसी है और मेक इन इंडिया, मगर उसको बनाने वाला बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग स्टोरी है, इसलिए आई कुडंट स्टे अवे फ्रॉम इट। मुझे जानना था क्या आइडिया था वो बॉलिंग मशीन बनाने के पीछे, वो कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, क्रिकेट में कैसे इंटरेस्ट आया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उनसे तो मैं जान लिया हूँ पहले, मगर आपको भी जानना जरूरी है। तो आइए हितेश भाई, वेलकम बैक स्पोर्ट्स गुरु। और ये है इनोवेटर इन्वेंटर ऑफ योर बॉलिंग मशीन, टैग बॉलिंग, टैग बॉलिंग क्रिकेट मशीन। तो उसमें पहले तो मैं बता दूं आपको, सब्सक्राइब किया आपने, नहीं किया तो कर लीजिए, फॉलो करें इंस्टाग्राम फेसबुक पे। बट देन हितेश भाई, बॉलिंग मशीन क्यों बनाया आपने, क्या जरूरत थी, कुछ जरूरत थी आपको? जरूरत तो नहीं थी, लेकिन क्या होता है मैं जब छोटा था तभी मैं भी क्रिकेट खेलता था, तो वो टाइम पे इतना ध्यान में नहीं था। लेकिन जब मेरा सन वंश पटेल वो जब क्रिकेट खेलने लगा तो मैं यही पर जब इंदौर में मैं आता था उसको छोड़ने, तो वो टाइम पे मैंने देखा कि एक बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस हो रही है, तभी मैंने सोचा कि चलो हम लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा फील्ड इंजीनियरिंग लाइन का है। ओके, एक सेकंड, इंजीनियरिंग लाइन का फील्ड तो है मगर मैं इनके सन वंश को बुलाना चाहूँगा। वंश, वंश पटेल। हेलो सर, हाय, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम टू स्पोर्ट्स गुरु। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्रिकेटर रहने के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दोनों कर रहे हैं। एक्चुअली मैं पहले क्रिकेट कम्पीट ही खेलता था स्कूल लेवल पे, फिर जैसे ही कॉलेज में आया स्टडीज आ गए तो फिर ऐसे ही क्रिकेट कम होता गया थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कम कर दिए। हाँ, फिर आपने इंस्पायर करके अपने डैडी को कि भाई आप एक बॉलिंग मशीन बना लो फिर हम उसको आगे क्रिकेट में लेके जाएंगे, क्या था फिर ये बताइए आप। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के टाइम में मैं आता था ना यहाँ पर, तो मैं खुद यहाँ पर बैठे रहता था, तो यहाँ पर क्या देख के एक मशीन होती थी जो बॉल थ्रो करती थी, तो वो दो देख के मैंने सोचा कि चलो कुछ करें करके, तो कुछ नया बनाए, तो हम लोग ने मैंने सोचा कि स्टार्ट तो करें, तो ऐसे ही खाली सिर्फ वीडियो वगैरह थोड़ा बहुत देख के फिर बाद में हम लोग ने पूरा मशीन धीरे धीरे परफेक्ट क्वालिटी के सब इंस्ट्रूमेंट जो वगैरह इक्विपमेंट है वो यूज़ करके हम लोग ने बनाए। अच्छा, काफ़ी टाइम लगा लेकिन बनाया, कॉपी नहीं किया किसका भी। अच्छा, किसका? ओरिजिनल है, किसी का कॉपी नहीं किया, सिर्फ हम लोग ने माइंड से सोचा कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि इसमें माइक्रो सेटिंग लगा है और जो नॉर्मली इन स्विंग आउट स्विंग तो है, लेकिन वही हम लोग ने सोचा कि भाई इसको कैसे करें, तो हम लोग ट्रायल पे ट्रायल करते रहे। अच्छा, काफी टाइम पे ट्रायल पे करें। अगर ये मुझे बताइए कि आप एक दूसरे फार्मा बैकग्राउंड से आते हैं? जी, फार्मा मतलब मेडिकल लाइन से। मेडिकल लाइन से डायरेक्ट इंजीनियरिंग लाइन, डायरेक्ट कंप्यूटर, डायरेक्ट क्रिकेट। क्रिकेट तो मेरा शौक था, मेरा बचपन से मेरा शौक था क्रिकेट। ऐसा चीज़ है ना कि आज की तारीख में जो बच्चा भी है ना क्रिकेट के अलावा कुछ ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, और वो टाइम पे भी मैं क्रिकेट का पूरा पागल था। मैं छुट्टियों के दिन ना ग्राउंड पे बड़ा रहता था, घर पर जाना मुझे पता ही नहीं कि घर पे कितना बज गया चला जाए, ऐसा नहीं था। फिर बाद में वो टाइम टू टाइम फिर वो आगे बढ़ते गया, फिर बाद में इस वंश आया, फिर वंश का प्रैक्टिस देख के मैंने सोचा कि चलो कुछ करें करके नया बना दिया हम लोग ने। अच्छा, नया बॉलिंग मशीन, बॉलिंग मशीन बना। डिज़ाइन किसने किया? डिज़ाइन हम लोग ने और मेरा जी एक राजेश करके है स्टाफ, जो स्टाफ है। हाँ, ये तो हम लोग ने और ये हमारी टीम है और बाकी भी की टीम है, लेकिन वो वर्कशॉप पे। वंश का क्या रोल था? वंश का रोल खाली इंस्पायर करने का था? इंस्पायर करना था, काफ़ी इंस्पायर करना था, क्योंकि क्या होता है कि बैट्समैन जब बैटिंग करने बैट करे तो उसको 15-20 मिनट बैट खेलने मिलते हैं, जिसमें जो 15-20 बॉल उसको मिलता है खेलने के लिए 15 मिनट में, लेकिन उसमें भी है ना 15-20 बॉल में क्या 10-12 बॉल वाइड होते तो बैट पे लगते ही नहीं बॉल। तो ये मशीन जो ऐसा है ना कि मशीन 15 मिनट में कम से कम 70-80 बॉल थ्रो करेगी। ओके, जब बैट्समैन को बॉल बैट पे लगेगी तब बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई कैसे खेलना है, तो बार बार वो प्रैक्टिस करते 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 वो स्किल उसमें आ जाएगी। अच्छा वंश, मगर तुमको क्या लगा डिसीजन जब पापा ने डिसाइड किया कि भाई पापा अब ये क्यों बना रहे हो, आप अपने ग्राउंड आपके चिपके रहो ना आपके फील्ड में,
एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि नहीं बॉलिंग मशीन का डिसीजन लिया अंबर टुकु का, ताकि मैं भी कभी बैटिंग कर सकूँ। मतलब बॉलर्स की बॉलर्स भी हैं, पर जहाँ मशीन पर यूज़ कर दो आप ज़्यादा परफेक्शन उस पर जा सकते हो। मुझे भी अच्छा लगा था डिसीजन एक्चुअली, पहले बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भी फैमिली सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट था। फार्मा और क्रिकेट, फार्मा में भी एक्चुअली हम लोग फार्मा जो के मशीन्स होते हैं ना, जैसे कैप्सूल फिलिंग के लिए एक मशीन होता है, कैप्सूल में पाउडर बनने के लिए, तो उसके मशीन के चेंज पार्ट बनाता होता, तो वो जो चेंज पार्ट है ना वो काफ़ी क्रिटिकल बोले तो सब माइक्रोन में साइज़ वगैरह थे। तो हम लोग को दिमाग में एक्यूरेसी जो वर्ड है ना हम लोग के माइंड में, और क्वालिटी वो पहले से माइंड में है कि हम लोग को क्वालिटी रखना ही रखना है, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी, क्वालिटी एक्यूरेसी परफेक्शन रखना ही है। क्योंकि अगर वो अगर नहीं रहेगा ना तो थोड़ा टाइम तक बिजनेस चलेगा, बाद में वो आपको डाउन, क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं करोगे तो आपको डाउन ट्रेड में जाना ही है। कैसे ट्रिगर, कौन सा मोमेंट ट्रिगर किया आपको, कौन सा मोमेंट कि यार इंग्लिश की बॉलिंग मशीन है इंग्लैंड वालों की, हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ था कुछ मोमेंट? नहीं नहीं, इंग्लैंड की मशीन काफ़ी कॉस्टली है वो भी है, और हम लोग इंडिया में बनाए, चलो हम लोग हमारा इंडिया मेक इन इंडिया करके कुछ बने करके, अच्छा। तो वो भी माइंड में था। और मेरे देखो जब मार्केट में अगर ये सब होता है ना तो ही नाम ज़्यादा है, तो नाम तो मुझे कमाना है, ऐसे नहीं कि पैसे से कि नाम नहीं कमाना है, कि भाई बॉलिंग प्रोडक्ट सा प्रोडक्ट के जरिए मुझे नाम कमाना था। अच्छा, तो मेक इन इंडिया वाज योर मोटिवेशन एंड क्रिकेट इज योर पैशन, कमिंग फ्रॉम फार्मा इट वाज इजी बिकॉज परफेक्शन आ गया, एक्यूरेसी आ गई, क्योंकि फार्मा में आप जरा सा भी मिस्टेक नहीं करते, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि जान पे आती है इस पे। हाँ। इस पे तो जान पे नहीं आएगी, मगर लोगों की टेक्निक पे असर हो सकता है या गेम पे असर, तो इसमें भी परफेक्शन चाहिए रहा, परफेक्शन एब्सोल्युटली। सो दैट वाज फन, इनकी टीम को बुलाना चाहूंगा, इसमें पहले के राजेश को, नितेश भाई राजेश, जो हम लोग ने काफी टाइम तक रात को, हम लोग ये राजेश है, ये हम लोग बैट के डिजाइन किए, बैट के डिजाइन फैशन डिजाइनर के साथ डिजाइन बोले तो ऐसा भी डिजाइन नहीं किसी बैट के किए, हम लोग रात को भी है ना, रात को 12 एक बजे हम लोग ने समझो कि कुछ वीडियो देखी तो हम लोग शेयर करते थे कि भाई हाँ इसमें मैकेनिज्म देखो कैसा है, तो हम लोग ने वो थोड़ा देख के हम लोग ने फिर हम लोग हमारे तरफ से हमारे हिसाब से हम लोग ने वो डिजाइन किया। अच्छा। तो हम लोग ने वो रात को भी हम लोग एक एक दो दो बजे तक भी हम लोग डिस्कस करते थे कि भाई हमें ऐसा करना है ऐसा करना है, फिर बाद में वापस वर्कशॉप पे आना है, फैक्ट्री पे आना है, फिर बाद में वो उसमें इम्प्रूवमेंट करते थे। कैसे, डिमांड एंड सप्लाई पे करते हो? डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कस्टमर ऑल ओवर, हाँ हम लोग ऑल ओवर इंडिया करते हैं, हम लोग बाहर भी भेजने का प्लान है अब फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन आगे जाके हम लोग बाहर भी एक्सपोर्ट का भी हम लोग सोच रहे हैं, फिलहाल हम लोग इंडिया में, क्योंकि इंडिया में काफ़ी स्कोप है, काफ़ी क्रिकेट का पूरे इंडिया में पूरा क्रिकेट ही छाया हुआ है, IPL भी एक नया एक लॉन्च हुआ है, तो क्रिकेट की डिमांड ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, बाकी टीम मेंबर्स भी हैं, आइए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा एक अच्छी मशीन पे, आप भी आइए। आपका गुड नेम? ये रोहित मुख्तार, मुख्तार यादव, राशिद, राशिद राशिद खान, आप अफगान से तो नहीं है? ये वाले और राशिद खान नहीं है, ये यहाँ वाले राशिद खान है, और इन्होंने भी मिरेकल क्रिएट किया है इनके साथ मिलके, सो दैट इज द मिरेकल, द टेक बॉलिंग मशीन, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, फार्मा टू इंजीनियरिंग टू क्रिकेट, और ये क्रिकेट में आप मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबा सर्व करना चाहते होगा, कोई तो विजन होगा आपका? ये विजन मतलब ऐसे ही कि बैट्समैन जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोर से मोर प्रैक्टिस मिले। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली जो एक घंटे में जो बॉलर कम से कम 15 ओवर डालते हैं, जब मशीन 50 ओवर डालती है तो क्या होता है कि उसको जितना जितना प्रैक्टिस मिले, और हम लोग ने जहाँ पर मशीन भी दिया ना तो वहाँ पर रिजल्ट भी अच्छे आए। अच्छा, ऐसा नहीं कि भाई मशीन ले लिया फिर कुछ नहीं हुआ है, वो जो बैट्समैन जो है ना वो लगातार सेंचुरी पे सेंचुरी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ उनका रिव्यू भी हमारे पास आ रहा है कि भाई हम लोग ने मशीन लिया तो ये बेनिफिट हुआ। अच्छा। जो लड़का जो हाँ जो अंडर 14 में वो कम से कम 5 सेंचुरी कर दिए, 6 हाफ सेंचुरी की है, तो इम्प्रूवमेंट है। तो यही विजन है कि बैट्समैन को बेस्ट बनाना है, बॉलर के लिए तो कुछ रखते नहीं आप लोग मुझे? नहीं नहीं, मैं भी बॉलर हूँ। नहीं नहीं, वो भी प्लानिंग में चल रहा है। अच्छा, बॉलर क्या करेगा? बॉलर को तो खुद ही डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसमें क्या होता है अभी, नहीं सॉरी हाँ नहीं जाने दीजिए, बॉलर के लिए तो आप लोग कुछ रखते नहीं है, नहीं कोई भी कुछ नहीं रखता, बट द नाइस मीटिंग यू हितेश भाई एंड राजेश भाई, रोहांश, थैंक यू गाइज, रोहित एंड मुख्तार राशिद, सो दैट वॉज वन ग्रेट स्टोरी, मज़ा आया मुझे करने में, बात करने में, लोग से इंस्पिरेशन है, एंड द वे दीज गाइज केम अप विथ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, आई लव इट। बट अभी के लिए तो इतना ही, द स्पोर्ट्स गुरु ऐसी बहुत सारी स्टोरीज लाता रहेगा, बने रहिएगा, डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। अभी के लिए मिलता हूँ जल्दी एक और स्टोरी के साथ, गुड बाय, चले पार्टी करते हैं।